everyone. In the previous video, we have discussed motivation cycle और इस वीडियो में हम मोटिवेशन की थ्योरीज के साथ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम वेरी फर्स्ट थ्योरी आज इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि है विलियम मैकडॉगल्स इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम इंस्टिंक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंस्टिंक्ट क्या होता है। दो हमने ये जो इंस्टिंक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये साइको एनालिसिस वाले स्कूल में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो थ्योरी है ये इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम इस वीडियो में भी अबाउट इंस्टिंक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। So what are instincts? Instincts are the innate biological tendencies because of which an individual behave in a particular manner. तो innate यानी क्या कि वो चीज़ें जो कि जन्मजात है, जो किसी ने आकर सिखाई नहीं है, जो environment से या फिर किसी से learn नहीं करी आपने, ये आपके अंदर जब से है जब से आप इस दुनिया में आए हो, ये already ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं, इनेट होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, कोई सिखाता नहीं है, कोई लर्न नहीं करवाता, ये आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से आप एक पर्टिकुलर मैनर में क्या करते हो, बिहेव करते हो, ठीक है। सो दैट आर इंस्टिंक्ट्स। तो अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ जाएंगे कि इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं और हम कैसे उस मैनर में बिहेव करते हैं इंस्टिंक्ट्स की वजह से। सो फॉर एग्जाम्पल, मदरली इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट टू एस्केप फ्रॉम नेगेटिव स्टिमुलस, इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरोसिटी एंड इंस्टिंक्ट ऑफ हंगर। जैसे मदरली इंस्टिंक्ट की बात करता है, सबसे पहले मदरली इंस्टिंक्ट मीन्स क्या कि जो हर एक मदर होती है उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है या फिर उनके अंदर एक ऐसी मतलब इननेट टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को अनकंडीशनल प्यार करती है। ये चीज़ बोलते हैं ना कि मतलब बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, माँ उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मदरली इंस्टिंक्ट है। मदरली इंस्टिंक्ट है मतलब क्या कि उसका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, वो फिर भी उसको प्यार करेगी, उसको कंसोल करेगी, उसकी केयर करेगी और उसके पीछे पीछे घूमती रहेगी और उसको वो ही बड़ा करती है और सबसे ज़्यादा वो ही अपने बच्चे से अटैच्ड होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट है। उसको ये चीज़ किसी ने सिखाई नहीं कि अगर तेरा बच्चा होगा तो तेरे को प्यार करना है या फिर तेरे को प्यार नहीं करना, वो चीज़ नेचुरल है। वो जब उसका बच्चा होता है तो वो उसे अनकंडीशनल प्यार खुद से देती है, ना कि अगर कोई सिखाएगा या फिर कोई उसे बोलेगा तो ही वो करेगी, नहीं, वो उसकी इंस्टिंक्ट है, वो चीज़ उसके अंदर नेचुरली है, वो उसकी इंस्टिंक्ट है जिस वजह से वो उसको अनकंडीशनल प्यार करती है, ठीक है। तो ये इंस्टिंक्ट है उसकी और इसी वजह से वो क्या है, वो मोटिवेटेड फील करती है अपने बच्चे की केयर करने के लिए, अपने बच्चे को प्यार करने के लिए, कि अगर उसका बच्चा रात को भी रो रहा है तो वो पूरी तरह से मोटिवेटेड है कि वो अपनी नींद सैक्रिफाइस करेगी और अपने बच्चे को देखेगी और उसको संभालेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो मोटिवेटेड इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट है जो उसे मोटिवेट कर रहा है अपने बच्चे को बहुत प्यार करने के लिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्या है, इंस्टिंक्ट टू एस्केप फ्रॉम नेगेटिव स्टिमुलस। हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है कि कोई भी जो नेगेटिव स्टिमुलस है उससे एस्केप करने का, मतलब कोई भी चीज़ जो हमें नेगेटिव लग रही है या कोई भी चीज़ जो हमें हार्मफुल लग रही है या फिर कोई भी चीज़ जो हमें प्लेजर नहीं दे रही, वो सिर्फ हमें पेन दे रही है, तो हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है प्लेजर को लेना चाहे और पेन को अवॉइड करना चाहे। कोई नहीं चाहता कि उसे किसी तरह का पेन हो या फिर उसे किसी तरह की दिक्कत हो, सब लोग चाहते हैं कि वो बड़े खुश रहें, पीसफुल रहे और प्लेजर रहे, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ठंड लग रही होती है, ठीक है, ठंड लग रही होती है तो हमारा इंस्टिंक्ट हमें कहता है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार हमें मतलब या तो कोई ब्लैंकेट मिल जाए या फिर हम किसी ऐसी जगह चल जाए जहाँ पे हमें ठंड ना लगे। हमारा इंस्टिंक्ट है, इस वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार अगर गर्मी लग रही है तो या तो हमें एसी मिल जाए या फिर हमें कोई ठंडा पानी पीने को मिल जाए। हमारे अंदर क्या होती है, इंस्टिंक्ट होती है नेगेटिव स्टिमुलस से एस्केप करने की, ऐसी चीज से एस्केप करने की जो हमें अनकंफर्टेबल या फिर अनप्लेजेंट लगती है और ऐसी चीज के पास जाने की जिससे हमें कंफर्टेबल फील होता है और जो हमें प्लेजेंट फील कराता है, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या है, एक इंस्टिंक्ट है टू एस्केप फ्रॉम नेगेटिव स्टिमुलस एंड टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द पॉजिटिव स्टिमुलस, ठीक है। और इसी वजह से हम मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि जो बर्ड्स होती है वो विंटर्स के टाइम पे माइग्रेट कर जाती है, किसी दूसरी जगह चल जाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि विंटर्स आने वाली है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हमें ऐसी चीज़ों से भागना होता है जो कि अनकंफर्टेबल या हमारे को प्लेजेंट फीलिंग नहीं दे रही है और हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव हो और हमें प्लेजेंट फीलिंग दे रहा हो। और इंस्टिंक्ट की वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं पॉजिटिव स्टिमुलस के तरफ जाने की और नेगेटिव स्टिमुलस से दूर होने की, ठीक है। फिर जैसे जो नेक्स्ट है वो है इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी का जो है वो इंस्टिंक्ट है। तो अब हमारे
हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ना एक क्यूरोसिटी का इंस्टिंक्ट होता है. क्यूरोसिटी मीन्स कि हमारे अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है कि किसी भी चीज़ को जानने की. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है लेकिन एकदम से नीचे से कहीं शोर आया या फिर कुछ भी हुआ, तो हमारे अंदर ना जैसे अगर हमारी क्लास की टीचर चली गई देखने की क्या हुआ, अगर मैं देख के आती हूँ, तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी बड़ी क्यूरोसिटी हो जाती है कि यार क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा. जैसे अगर क्लास में पढ़ाई चल रही है और एकदम से गानों की आवाज़ आने लगे नीचे से, तो सबको लगता है कि यार क्या पता कोई फंक्शन हो, हमें भी बुलाएं. तो सबके अंदर ना क्यूरोसिटी जाती है देखने की. जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड पे लड़ाई हो गई या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि सबके अंदर क्या होती है, क्यूरोसिटी होती है. सब लोग रुक रुक कर देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी का इंस्टिंक्ट है जिसकी वजह से हम मोटिवेटेड फील करते हैं ये जानने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है या फिर हुआ क्या है. हाँ, तो फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंस्टिंक्ट ऑफ हंगर. कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो हमारी बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, जैसे कि नीड फॉर स्लीप, नीड फॉर हंगर और नीड फॉर थर्स्ट और नीड फॉर ब्रीथ, तो मतलब ये जो सारी हमारी नीड्स होती हैं, ये जो सारे हमारे बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं, ये भी हमारे इंस्टिंक्ट्स ही होती है. ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट्स ही होती होंगी क्योंकि इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं, वो चीज़ें जो हमारे अंदर ऑलरेडी हो, जो चीज़ें हमारे को ऑलरेडी आती हो. जैसे कि भूख लगना, आपको ऑलरेडी भूख लगती है, आपको कोई नहीं सिखाएगा कि तेरे को ऐसे भूख लगेगी या फिर इस टाइम पे भूख लगेगी, नहीं. ये आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है जो आपको किसी ने नहीं सिखाया या फिर जो आपको किसी ने आकर नहीं बोला कि तेरे को इस टाइम सोना है या फिर तेरे को इस टाइम नींद आएगी या फिर ऐसे नींद लेकर आ, ठीक है, या फिर ऐसे पानी पीने की कोशिश कर. ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं, आपकी बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं. और अब आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट है हंगर का, थर्स्ट का, ब्रीथ का, स्लीप का. इस वजह से क्या होता है, आप मोटिवेटेड फील करते हो. अगर हंगर का इंस्टिंक्ट है तो मोटिवेटेड फील करते हो किसके लिए, खाने के लिए. अगर थर्स्ट का इंस्टिंक्ट है तो मोटिवेटेड फील करता है हम लोग पानी पीने के लिए या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाए जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाए. अगर हमारे अंदर स्लीप का इंस्टिंक्ट है तो हम मोटिवेटेड फील करते हैं सोने के लिए कि यार कहीं भी थोड़ी देर को सोने के लिए मिल जाए हमें, ठीक है. तो ये हमारी इंस्टिंक्ट्स होती है, इंस्टिंक्ट्स होती है, इस वजह से मोटिवेटेड फील करते हैं अपनी उन इंस्टिंक्ट्स को सैटिस्फाई करने के लिए. कि अगर मदरली इंस्टिंक्ट है, अगर एक माँ का बच्चा रोने लग रहा है, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगी उसे चुप कराने के लिए, उसे उसके लिए वो सब करने के लिए जिससे कि वो चुप हो जाए और वो शांत हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, मदरली इंस्टिंक्ट है, जिसकी वजह से वो उसको अनकंडीशनल प्यार करती है. तो वो इस वजह से उसके लिए मोटिवेटेड रहती है हमेशा उसे, मतलब अपना प्यार और अपनी केयर देने के लिए. इसको ये किसी ने नहीं सिखाया कि अगर तेरा बच्चा होगा तो तू ऐसे प्यार करना, उसे ऐसे मत करना. ऑब्वियसली उसके अंदर नेचुरली ये चीज़ है, वो नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करेगी, नेचुरली उसे अच्छे से रखेगी, ठीक है. तो वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट है. ये सारी हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इस वजह से हम लोग मोटिवेटेड फील करते हैं इंस्टिंक्ट्स को सैटिस्फाई करने के लिए. कि जैसे अगर कुछ हो गया तो क्यूरोसिटी होती है कि यार क्या हुआ है मेरे को भी बता दो, क्या बात कर रहे हो मेरे को भी बता दो. तो वो क्यूरोसिटी का इंस्टिंक्ट है, इस वजह से आपने मोटिवेटेड फील किया उनसे जानने के लिए कि क्या बात हो रही है एक्चुअल में, ठीक है. ऑलरेडी हम ये सारी एक्टिविटीज या फिर ये सारे फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं नेचुरली, ये कोई हमें नहीं सिखाता या फिर ये कोई हमारे दिमाग के अंदर नहीं डालता. ये चीज़ें हम जब से पैदा हुए होते हैं हमारे अंदर ऑलरेडी नेचुरली हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद इंस्टिंक्ट्स में हम फ्रॉइड के बारे में भी जान लेते हैं. कि जो फ्रॉइड, उसने दो तरह के इंस्टिंक्ट्स की बात की थी, कि एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट. लाइफ इंस्टिंक्ट को इरोस बोलते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट को थानाटॉस बोलते हैं. जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं वो कौन सी हैं आपकी, जैसे कि हंगर, थर्स्ट, सेक्स विच प्रमोट सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं अग्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन विच टेक्स एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ. तो जो आपके लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, ये वो सारे इंस्टिंक्ट्स हैं जो एक तरह से आपको सर्वाइवल की तरफ और आपके ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, ठीक है. जो कि आपकी अच्छी इंस्टिंक्ट्स हैं जो आपके ग्रोथ में अच्छे के लिए आपको आगे लेकर जा रही है, ठीक है. लेकिन जो डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे कि किसी को गुस्सा आना, ये भी सब नेचुरली होता है, गुस्सा आना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन. तो ये सब चीज़ें हम सीखते भी हैं, लेकिन ये हमारे कुछ हद तक अंदर इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें वैसी होती है जो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ, आपको डेथ की तरफ लेके जाती है, ठीक है. जहाँ पे आप बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हो या फिर आपको मतलब होता है ना कि हमें नहीं जीना, हमें नहीं रहना, या फिर हम मतलब अपनी कोई भी जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती है हम उन्हें सैटिस्फाई नहीं करते और सिर्फ हम अपने डेथ की तरफ, अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. कि यार हमारी लाइफ वर्थलेस है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा या फिर हमें रहना ही नहीं है. तो वो हमारी डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, ये सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं ये हमारी डेथ इंस्टिंक्ट्स होती है.
जो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ और हमारी डेथ की तरफ लेके जाती है, लेकिन जो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो आपकी ऐसी इंस्टिंक्ट्स होती हैं जो आपको ग्रोथ आपकी अच्छी करती है, आपका सर्वाइवल में आपके लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ऑब्वियसली हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, सेक्स हो गया, ये सारी आपकी बायोलॉजिकल नीड्स ही तो हैं जो आपके ग्रोथ के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये वाली सारी इंस्टिंक्ट्स हैं तो आपकी लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, और जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन भर गया है, एंगर भर गया है, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये सारी आपकी डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको गलत थॉट्स की तरफ या फिर ये आपको गलत मतलब आपकी डेथ की तरफ, आपकी डिस्ट्रक्शन की तरफ, इन सब की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। फिर उसके बाद हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स जैसे कि इसमें चार हैं, सोर्स, इम्पिटस, एम एंड ऑब्जेक्ट। सोर्स मीन्स कि आपका जो इंस्टिंक्ट है वो आ कहाँ से रहा है, ठीक है, आपके इंस्टिंक्ट का सोर्स क्या है। ऑब्वियसली इंस्टिंक्ट क्योंकि जन्मजात है, ये किसी ने सिखाई नहीं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं, इंटरनली ये हमारे अंदर से आ रहे हैं, इस वजह से हम किसी पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करते हैं। तो ये जो सोर्स है वो क्या है, जहाँ से आपका इंस्टिंक्ट अराइज हो रहा है, फ्रॉम वेयर योर इंस्टिंक्ट अराइजेस, इंटरनल बॉडी स्टिमुलेशन, ये आपके इंटरनली आपके बॉडी से इंस्टिंक्ट आपका आ रहा है। फिर आता है आपका एम्पिटस। एम्पिटस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ योर इंस्टिंक्ट विच अराइजेस, कि आपकी इंस्टिंक्ट की इंटेंसिटी कैसी है, कि अगर आपका हंगर का इंस्टिंक्ट है तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, कितनी भूख लगी हुई है, ज़्यादा लगी हुई है, कम लगी हुई है, क्या मतलब कितने इंटेंसिटी पे आप इंस्टिंक्ट फील कर रहे हो। जैसे जो एक माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे के लिए वो बड़ा इंटेंस और बड़ा स्मूथ होता है, ठीक है, कि वो कभी भी उसके लिए अगर कुछ भी करना हो तो वो पीछे नहीं हटती, वो हमेशा रेडी रहती है। तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है उसके इंस्टिंक्ट की, ठीक है। अगर आपकी क्यूरोसिटी का इंस्टिंक्ट है तो आप कितने क्यूरियस हो, कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि अगर कुछ भी हो जाए तो आप आधी रात को भी जाने को तैयार हो कि क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं पता। या फिर आपको ये है कि चल ठीक है सुबह उठ के पता कर लेंगे, तो मतलब आपकी इंटेंसिटी कैसी है आपके इंस्टिंक्ट की, वो आपका एम्पिटस है। फिर आपका एम आता है। एम क्या है, एम इज कि आपका जो इंस्टिंक्ट है उसका एम क्या है। जैसे अगर हंगर का इंस्टिंक्ट आपके अंदर है तो आपका एम क्या है कि मेरे को कुछ खाना है। अगर आपके अंदर स्लीप का इंस्टिंक्ट है तो मेरा एम क्या है कि मेरे को सोना है। तो आपका एम क्या है, आपका एम मीन्स कि जो आपके अंदर इंस्टिंक्ट अराइज हो रही है वो क्या चीज़ सेटिस्फाई करने के लिए हो रही है। तो ऑब्जेक्ट आता है कि आपका जो इंस्टिंक्ट अराइज हो रहा है वो किस ऑब्जेक्ट से सेटिस्फाई होगा। जैसे कि अगर आपका हंगर अराइज हो रहा है, ठीक है, इंस्टिंक्ट ऑफ हंगर आ रहा है तो वो खाने से सेटिस्फाई होगा, ठीक है, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद अगर आपके अंदर एक क्यूरोसिटी का इंस्टिंक्ट आ रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होगा, कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिस वजह से आप क्यूरियस थे जानने के लिए, कि आप क्यूरियस थे, आपको जानना था कि कल मैं स्कूल में नहीं आया और मैंने सुना है कि उन दोनों की ना लड़ाई हुई, तो मेरे को जानना है कि क्या लड़ाई हुई, किस बात पे लड़ाई हुई। तो आपके लिए वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑब्जेक्ट है जो आपके उस इंस्टिंक्ट को क्यूरोसिटी के क्या करेगी, शांत करेगी। तो आई थिंक अब हम अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ द विलियम मैकडॉगल ऑफ इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको रीएनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड होप यू लाइक द वीडियो।